वेटरन एक्टर ऋषि कपूर इस समय न्यूयॉर्क में अपने अनडिस्क्लोज बीमारी का इलाज करवा रहे हैं और उनके साथ इस मुश्किल घड़ी में उनकी पत्नी नीतू कपूर है और उन्हें सरप्राइज दिया उनके बेटे रणबीर कपूर ने। जी हाँ, रणबीर कपूर अपने पापा के साथ वक्त बिताने न्यूयॉर्क में है और वहीं से नीतू कपूर ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की और कैप्शन में लिखा, दैट अमेजिंग फीलिंग इन योर लोज व्हेन देयर इज पॉजिटिविटी हैप्पीनेस लव एंड दैट विंक। वेल, काफी चीयरफुल फोटो है ये। रणबीर ने वाकई में पापा को सरप्राइज देकर खुश कर दिया। हाल ही में उन्होंने फिल्म संजू के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीता था और उन्होंने ये अवार्ड अपने पापा ऋषि कपूर को समर्पित किया और कहा कि उनके पापा को डर है कि वापस आने के बाद उन्हें फिल्में मिलेंगी या नहीं। उन्होंने कहा, इस अवार्ड को अपनी जिंदगी के खास शख्स को समर्पित करना चाहूंगा, अपने पापा से शुरुआत करता हूँ। वो अभी थोड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, लेकिन मैंने सुना है कि मुश्किल वक्त आपको बहुत कुछ सिखाता है। मैं उनसे जब भी बात करता हूँ, वो हमेशा फिल्मों के बारे में बात करते हैं। वो पूछते हैं कि ये फिल्म कैसी है, ये फिल्म कैसा कर रही है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, तुम इस सीन में क्या कर रहे हो। इसके अलावा वो मुझे पूछते हैं कि क्या वापस आने पर उन्हें फिल्में मिलेंगी, क्या लोग उन्हें फिल्में ऑफर करेंगे, क्या वो फिल्मों में काम कर पाएंगे। रणबीर को ये अवार्ड उनकी गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट ने दिया था। रणबीर का स्पीच सुन आलिया के आंखों में आंसू आ गए थे। नीतू कपूर ने भी अपने बेटे की इस अचीवमेंट पर खुशी जाहिर की। इंस्टाग्राम पर लिखा, एंड मोमेंट्स लाइक दीज मेक यू फॉरगेट ऑल द स्ट्रेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सो प्राउड एंड हैप्पी, हैशटैग फिल्मफेयर अवार्ड्स, हैशटैग बेस्ट एक्टर, हैशटैग बेस्ट एक्ट्रेस। खबरें ये भी है कि रणबीर कपूर न्यूयॉर्क में अपने पापा को लेने गए हैं और वहां से आने के बाद पूरा खानदान शादी की प्लानिंग में एकजुट हो जाएंगे। फिलहाल ये सब होने में देर है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है ऋषि कपूर की सेहत। इस नए फोटो पर आपके क्या रिएक्शंस हैं? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।